सो भाई देख लो, ये अपनी डोमिनार 400 द बीस्ट फ्रॉम द बजाज। सो भाई यस, दिस इज अ टूरिंग मशीन फ्रॉम द बजाज। और भाई 400 सीसी में आप डोमिनार को कंपटीशन देने के लिए बहुत सारी ब्रांड्स ने बहुत सारी बाइक्स लॉन्च कर दी हैं। जैसे कि टीवीएस का पता होगा आपको, तो उन्होंने अपाचे आरटीआर 310 लॉन्च करी है। और अगर हीरो की बात करें तो उन्होंने मैवरिक 440 लॉन्च करी है। साथ ही में हार्ले भी इस छोटे सेगमेंट में आ गया है, तो हार्ले ने भी 400 सीसी की बाइक लॉन्च कर दी है, हार्ले एक्स 440। तो भाई अब सारे ब्रांड्स इस सेगमेंट के अंदर कॉम्पीट कर रहे हैं, बट स्टिल डोमिनार का जो एक डोमिनेंस है ना, वो एक मार्केट के ऊपर अलग ही बना रहेगा और है भी, क्योंकि भाई बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आज भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका आज भी जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है ना, वो 2,29,000 रुपये आपको एक्स शोरूम डेली प्राइस मिल जाता है। तो अभी अगर इसकी ऑन रोड की बात करूँ, तो ऑन रोड ये आपको अभी भी अंडर 3 लाख मिल जाती है देखने को, BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ। तो ये 2024 वेरिएंट अभी आप देख रहे हो। सो स्टिल भाई इस बाइक के अंदर जो पावर है, 40 BHP ऑफ पावर है एंड 38 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो बाइक के अंदर पावर बहुत ज़बरदस्त है, साथ ही में टॉर्क भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको ऐसी पावर और ऐसा टॉर्क आपको कोई और नहीं देगा। और सबसे जो मेन इस बाइक की जो मेन चीज़ है, वह ये बाइक का KTM ड्राइव इंजन। तो यस, ये जो बाइक का इंजन आप देख रहे हो, जिसमें आप ये बजाज का लोगो देख रहे हो, बेसिकली ये KTM ड्राइव इंजन है, जो आप KTM ड्यूक 390 के अंदर देखते हो ना, और RC 390 के अंदर, तो वही सेम इंजन आपको ये देखने को मिल जाता है। तो पहले ही अपना ये 3-वॉल्व इंजन आता है DTSI के साथ, बट अभी जो नॉर्म्स चेंज हुए उसके बाद बजाज ने इसके अंदर से स्पार्क प्लग रिमूव कर दिए। अब इसके अंदर आपको सिंगल स्पार्क इंजन मिल जाता है विदाउट DTSI। तो यस, दिस इज सिंगल स्पार्क प्लग और 4-वॉल्व इंजन आपको देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज अ DOSC इंजन और इसमें आपको पूरा लिक्विड कूलिंग का मिल जाता है। अभी आपको इसमें रेडिएटर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको फ्रंट में इसका रेडिएटर देखने को मिल जाएगा। तो इसका रेडिएटर जो है वो KTM से थोड़ा छोटा मिलता है, क्यों? क्योंकि भाई इसका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा सा कम है। जो KTM का होता है उनका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और उनकी जो लो एंड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, बट इसका टॉप एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड दिस इज़ अ प्रॉपर हाईवे टूरर मशीन। तो भाई अभी आप मैवरिक देख लो, इस सेगमेंट में मैवरिक आती है, X440 आती है, दोनों भाई बाइक अपने सेगमेंट में अच्छी है, बट दोनों के ही अंदर एक चीज़ है कि भाई मैवरिक के अंदर आपको ऑयल कूलिंग मिलती है, लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती, और उसकी पावर इतनी नहीं है जितनी आपको पावर यहाँ पे मिल जाती है। अब पावर के साथ साथ भाई डोमिनार का ये जो आप कहते हो ना, ये पेरीमीटर फ्रेम, तो भाई पेरीमीटर फ्रेम एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इस बाइक की, जिसके ऊपर ये बाइक बनी हुई है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है NS200 RS के ऊपर ऑलरेडी ये चीज़, मतलब पेरीमीटर फ्रेम काफ़ी ज़्यादा कामयाब है, और जनरली यामाहा भी यही चीज़ इस तरीके की यूज़ करती है, इसको बोलते हैं यामाहा डेल्टा बॉक्स फ्रेम, बट यहाँ पे बजाज को पेरीमीटर फ्रेम बोलते हैं, जो काफ़ी रिजिड है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस बाइक का जो मतलब फील है ना, बाइक आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी बड़ी लगती है, बट आप जब बाइक को चलाओगे तो आपको काफ़ी लाइट फील होगी और काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी पावरफुल बाइक है ये, और बहुत लीनियर पावर आपको देखने को मिलती है। KTM जैसी पावर नहीं है कि आपको डरा देगी, बट लीनियर और बहुत अच्छा टॉप एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं आप फ्रंट से, तो भाई फ्रंट में आपको मिल जाता है इसमें फुली LED हेडलैम्प, जो कि पहले से आती थी वही हेडलैम्प आपको आज भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको मिलेंगे LED इंडिकेटर्स फ्रॉम द KTM, तो KTM वाले इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली KTM में आते हैं। और बात करें इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको मिलता है USD सस्पेंशन, 43mm USD फोक्स, तो ये देख लो काफ़ी थिक सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और मडगार्ड अपना डुअल शेड मिल जाता है, मतलब मैट एंड कलरफुल। और अगर टायर की बात करूँ फ्रंट में, तो 110 सेक्शन का आपको इसके अंदर MRF का नायलॉन ग्रिप टायर मिल जाता है, बेसिकली दिस इज रेडियल टायर, तो रेडियल टायर मिलता है। और एलॉयज में खासियत है कि यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय मिलते हैं इसके, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे डायमंड कट पूरा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी वाइड है, 110 सेक्शन का टायर आपको मिल जाता है, और इतने वाइड आपको किसी मिलेंगे नहीं किसी बाइक के अंदर इतने वाइड टायर्स। और डिस्क की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 300mm की आई थिंक डिस्क मिल जाती है, साथ ही में डुअल चैनल ABS मिलता है एंड बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं विच कम फ्रॉम दी ब्रेम्बो। तो भाई प्रीमियम सामान यहाँ पे बजाज ने सारा यूज़ करा हुआ है, कोई भी कॉस्ट कटिंग बजाज ने इस बाइक के अंदर नहीं करी है। अगर आप टायर्स में देखोगे तो, सस्पेंशन में देखोगे तो, किसी में भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। स्प्लिट सीट मिल जाती है, स्प्लिट सीट होने के बाद भी ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, आपको छोटे मोटे घर के सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपके मैरिड है तो अपनी वाइफ और मदर को भी आप इजीली बिठा के ले आ सकते हैं स्प्लिट सीट होने के बाद भी, क्योंकि प्रॉपर एक टूरर के हिसाब से बनाई गई है बाइक, तो टूरिंग के लिए सीट और पोस्चर वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका पोस्चर एंड सीट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी आप अपराइट होकर बैठोगे, क्योंकि आपको इसके अंदर स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार मिलता है पूरा, तो ये देख लो आप पूरा स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है। जनरली बजाज की जो और बाइक्स है ना, उसमें आपको क्लिप ऑन मिलता है देखने को, अगर आप NS NRS वगैरह देखोगे, बट यहाँ पर आपको स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार दिखता है पूरा, जो काफ़ी कंफर्टेबल है एक ऑन द लॉन्ग गो, ऑन द हाईवे अगर आप अच्छे खासे किलोमीटर्स क्लॉक करते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे 2 मीटर मिल जाते हैं देखने को,
तो 2 मीटर आपको, 1 मीटर आपको यहाँ मिलेगा, 1 मीटर आपको यहाँ मिलेगा, दोनों ही डिजिटल इन्वर्टेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो ये वाला जो मीटर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसकी स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और RPM मीटर एंड फ्यूल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम एंड ओडो, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। बट अब जैसे ही बजाज अपने सारे प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहा है, NS को अपग्रेड कर दिया, NS लाइनअप को अपग्रेड कर दिया, N लाइनअप को पूरा अपग्रेड कर दिया है, तो मैं होप करता हूँ बजाज जल्दी से डोमिनार को भी अपग्रेड करेगा एंड RS को भी अपग्रेड करेगा। इनके अंदर भी अभी ब्लूटूथ की कमी है, तो यहाँ पे भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए। और यहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा ये USB चार्जिंग, जिससे आप ऑन द गो अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। और अगर मैं स्विच गियर्स की बात करूँ तो आपको बैकलाइट स्विच, बैकलाइट जो लाइट वाले स्विच गियर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बजाज में आते हैं। तो ये देख लो, ये मैंने ऑन करा, ये ऑन हो गए। तो ये अपना हाई बीम लो बीम है, ये हॉर्न है, ये अपना हॉर्न है, और इधर से आपका पास लाइट मिल जाता है। तो पास लाइट से आपको मैं इसकी हेडलाइट दिखा देता हूँ, तो ये हेडलाइट कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी इसकी। और इस साइड आपको मिल जाएगा इसके अंदर ये अपना इंजन किल स्विच, DRL ऑन ऑफ और हेडलाइट के लिए स्विच करने के लिए आपको मिल जाएगा, साथ ही में सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो अब अपग्रेड किया था बजाज ने इसको प्रॉपर टूरर वर्जन बनाने के लिए, यहाँ पे बजाज ने क्या करा कि यहाँ पे आपको एक विंडशील्ड दे दी है, पूरी आपको फ्रंट विंडशील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली विंडशील्ड दे दी है, जिससे कि आप हाईवे पे जाओगे तो आपको फ्रंट से जो आपको विंड आएगी उससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी, और ये पूरी विंड यहाँ से लग के आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिकली इसको बना दिया है बजाज ने। और सेम गोज विद योर हैंड, तो हैंड प्रोटेक्टर भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, अगर आपकी बाइक क्रैश होती है, गिरती है, तो आपके हैंड बचे रहेंगे, आपके हाथ पूरे बचे रहेंगे, आपके हाथों में कुछ नहीं होने वाला ये इसके वजह से। तो ये चीज़ देखो, ये डोमिनार 250 में नहीं आती है, बट आप लगवा सकते हो डोमिनार 250 में भी ये चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों बाइक सेम है एक्सेप्ट द इंजन, बाकी सबको चीज़ें सेम ही मिलती है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपकी आई थिंक 14 लीटर्स में आप फ्यूल डलवा सकते हो आराम से, तो 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, टैंक गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे E20 की बैजिंग मिल जाती है, और ये अपना फ्यूल लीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से अपना फ्यूल डलवा सकते हो। बाकी यहाँ पे डोमिनार का 3D लोगो दे दिया है, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो डोमिनार का 3D लोगो दिया हुआ है, ग्रीन कलर में आती है एंड मैट ब्लैक आती है, तो 2 कलर में अपनी बाइक अवेलेबल है अभी जो कि बजाज ऑफर कर रही है। तो दोनों कलर यहाँ पे गुरु नानक बजाज पे अवेलेबल है, आप बुक करवा सकते हो। गुरु नानक बजाज का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है और एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे ही फ्लैश करवा दूंगा मैं, तो यहाँ से आप अपनी डील को फाइनलाइज कर सकते हो। बाइक यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी और इसके अंदर एक ये अपग्रेड किया था बजाज ने कि यहाँ पे आपको बैकरेस्ट दे दिया था अपने पिलियन के लिए, साथ ही में आपको यहाँ पे ये मिल जाता है स्टेडल स्टे के लिए, अपना पूरा जो टॉप बॉक्स वगैरह लगता है ना उसके लिए आपको पूरा ये ब्रैकेट बजाज ने कंपनी फिटमेंट करके दे दिया है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर में, तो अगर आप इसकी आप सीट हटाओगे ना तो सीट में क्या होगा, सीट के नीचे आपको ये मिल जाएंगे, ये बिल्कुल आपको ये कुछ पट्टे के टाइप की तरह ये मिलते हैं। अब ये इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो ना तो इसको आप ऐसे इस तरफ कर सकते हो, बाहर की तरफ निकाल के अपने सामान वगैरह इसमें बांध सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये अपनी डोमिनार के अंदर जब अपग्रेड आया था ना, अपनी ये वाली आई थी डुअल बैरल एग्जॉस्ट वाली, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे इसका मिल जाता है ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट। तो बजाज ने क्या करा, इसको पूरा स्ट्रेट पाइप कर दिया है, अगर आप ये नीचे देखोगे तो नीचे पूरा स्ट्रेट पाइप है ये अपना, यहाँ पे पूरा इंजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, और इसी के अंदर यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर ऐड कर दिया है, कोई अलग से बड़ा सा कैटलिक कन्वर्टर नहीं लगाया। इससे क्या होगा, इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी ज़्यादा बेसी और काफ़ी लाउड हो गई है बाइक पहले से, और आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बजाज भाई काम ही ऐसा करता है। अगर आप RS देखो ना तो RS में भी आपको एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं है, सेम गोज विद दिस बाइक, तो इसमें भी आपको एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े इसके जो ये डुअल बैरल दे रखे हैं देख सकते हो, वो काफ़ी लाउड है, काफ़ी अच्छा साउंड आता है इस बाइक के अंदर। साथ ही में रियर में अगर आप देखोगे तो 150 सेक्शन का इसके अंदर रियर टायर मिल जाता है, MRF रिव्स, तो ये भाई टायर काफ़ी बढ़िया, मतलब MRF का प्रीमियम टायर है ये आप कह सकते हो, तो वो यहाँ पे बजाज आपको ऑफर कर रहा है। एंड रियर में भी आपको यहाँ पे ABS मिल जाता है विद वाइब्रे ब्रेक कैलिपर्स एंड 240mm डिस्क, तो रियर में आपको 240mm डिस्क मिलती है, फ्रंट में 300 मिलती है, एंड यहाँ पे वाइब्रे का ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर सस्पेंशन आपको ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पे नाइट्रोक्स फिल्ड रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंगली इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, जैसे आप राइड करो जिस कंडीशन में। और रियर स्विंग आर्म की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एलुमिनियम स्विंग आर्म, ये देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर पूरा एलुमिनियम स्विंग आर्म आपको देखने को मिल जाता है। अब इस स्विंग आर्म का फायदा क्या है, यहाँ पे रस्टिंग के इशूज़ नहीं आते, क्योंकि एलुमिनियम में रस्टिंग का आपको खतरा है ही नहीं, तो यहाँ पे रस्ट वगैरह नहीं लगती स्विंग आर्म के अंदर, काफ़ी बेटर क्वालिटी है। आई थिंक अगर बजाज ये वाला स्विंग आर्म अपनी 250 में ऑफर कर देना, थोड़ा प्राइस बढ़ा दे डोमिनार 250 का, बट ये वाला स्विंग आर्म ऐड कर देना चाहिए डोमिनार 250 के अंदर भी, तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी वो बाइक भी, बट स्टिल वो अभी भी बहुत बढ़िया बाइक है अगर आप देखो 250cc की बाइक कैटेगरी के अंदर, और ये भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी इंजन वगैरह ये देखा है, इंजन के नीचे आपको यहाँ पे पूरा ये एलुमिनियम प्लेट मिल जाती है जो बजाज ने बाद में ऐड कर दी थी, जिससे आपके इंजन वगैरह जो जब आप एक राइड करते हो लॉन्ग रोड पे जाते हो
तो बीच में ऑफ रोडिंग वाले रास्ते आते हैं ना, तो वहाँ पे से ये काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है आपके इंजन की यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये अपनी डोमिनार 400 द बीस्ट डी 400। तो भाई बजाज ने इसको पहले पल्सर नाम से लॉन्च करना था, बाद में बजाज ने चेंज करके इसको डोमिनार 400 के नाम से लॉन्च किया इंडियन मार्केट के अंदर। एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आए पल्सर लाइनअप को छोड़ के, और इस बाइक को प्रॉपर एक हाईवे टूरर वाली कैटेगरी के अंदर बजाज ले आई। बाइक जब लॉन्च हुई थी ना तो बेसिकली तब ये हाईवे टूरर के हिसाब से नहीं लॉन्च हुई थी, बट लोगों ने इसको इतने लंबे लंबे दूर दूर तक राइड कराया ना, तो बजाज ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसको हाईवे टूरर बना दिया पूरा। और भाई बाइक बहुत ज़बरदस्त है, बाकी आप बाय कर सकते हो। ये अपनी अवेलेबल है गुरु नानक बजाज में देवली रोड खानपुर में, और इनके जितने भी शोरूम्स हैं नियर बाई आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। आप गूगल कर सकते हो गुरु नानक बजाज, जो भी आपके घर के नियर बाई है वहाँ से जाके बाय कर सकते हो।